आबकारी संयुक्त आयुक्त के ऑफिस सुनील कुमार मिश्रे, ये मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और अदर दो मंडलों के चार्ज इनकर्ता हैं, जहां से शिकायत लगातार आ रही है कि ओवर रेटिंग का मामला देसी हो, बियर हो या तो इंग्लिश में। सूत्रों बताते हैं कि यहां पे लगातार ओवर रेटिंग हो रही है, लेकिन शासन की मंशा के विपरीत कार्य हो रहा है। डीओ साहब कहते हैं कि जांच हो रही है, डीओ लेटर भेजते हैं, लेकिन इनके अधिकारी या इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं बात करें चेक पोस्टों की, तो जहां पर सरसावा या शामली में 10 बजे के बाद कोई इंस्पेक्टर या सिपाही नजर नहीं आता है। सूत्रों के हवाले से है कि वो अपने गृह जनपद पर 15 दिन की शिफ्ट में काम करते हैं और साहब कहते हैं कि मेरा चेक पोस्ट दुरुस्त है। ये हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इनका बोर्ड दिखाएं। साहब भी आज अपने मंत्री की अगवानी में लगे हैं। साहब का पे ऑफिस पे बात हुई सुबह, तो बोले ठीक है आप आ जाए, दो दिन के बाद हमारी मुलाकात होगी। लेकिन साहब अपने मंत्री या किसी अधिकारी के अगवानी में दिल्ली गए हुए हैं। इनके ऑफिस पे पता चला कि साहब जो है दिल्ली गए हुए हैं। यहाँ साहब के स्टोनो भी गायब हैं, वो भी अपने आवास पर गई हुई है। कुछ दो व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं। ये हाल है संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन के कार्यालय का। ऐसे ही पूरे जिले या मंडल के कार्यालयों की हाल है। वहीं मंत्री आबकारी नितिन कुमार कहते हैं, अग्रवाल कहते हैं कि नहीं, हमारे प्रदेश में ओवर रेटिंग का कोई मामला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर आदर्श सिंह की बात करें, वो भी कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई रेबिट मालूम नहीं है। लेकिन मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल, सावली जिला में ओवर रेटिंग का खुलेआम खेल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हापुड़ में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ओवर रेटिंग कर दुकान खुलेआम दिखाई गई, लेकिन साहब ने अभी तक उस पर भी कोई रिपोर्ट या कोई कार्रवाई नहीं की। विजय पांडे, जनवाड़ी न्यूज, मेरठ।